पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। भाजपा उत्तरी मंडल के अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सिन्हा को हबीब मियां के द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया एवं सम्मानित करते हुए हबीब मियां ने कहा कि भाजपा के पदाधिकारियों को यह काम पहले ही करना चाहिए था जो वो काम आज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिन्हा को रंका उत्तरी मंडल के अध्यक्ष बनाने से इस रंका भाजपा उत्तरी मंडल में भाजपा की सदस्यता बढ़ने की काफी संभावना है। इस संबंध में नव निर्वाचित उत्तरी मंडल के अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कहा कि मुझे इस कार्य के लिए जो भाजपा के पदाधिकारियों ने इस कार्य के लिए मुझे समझा मैं इस कार्य के लिए भाजपा पदाधिकारियों को आभार व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि उत्तरी भाजपा मंडल के अध्यक्ष बनाए जाने में उत्तरी मंडल में भाजपा का सदस्यों का काफी संख्या में विस्तार करूंगा एवं जो भाजपा के द्वारा छूटा हुआ कार्य है उस कार्य को पूर्ण करवाने का मेरी ओर से पूरा प्रयास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है अध्यक्ष पद के लिए, तो सबसे पहले मैं अपने जिले और प्रदेश के सभी नेताओं को बधाई देता हूं और ख़ासकर रंका के जितने भी हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं भाजपा के समर्थित सोच वाले हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये इस पद के लिए और मेरा इच्छा होगी कि आने वाले दिनों में पार्टी के संगठन के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए जरूर अधिक से अधिक काम करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं रंका के प्रति? रंका के प्रति यही कहेंगे कि जो समस्या है छोटे मोटे समस्या है जो रह गया है उसको निश्चित रूप से हम अपने पार्टी के माध्यम से अपने सांसद विधायक के माध्यम से जरूर पूरा करने का प्रयास कराएंगे। अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष रूप में अभी जो जिम्मेवारी मिली है तो अभी तो संगठन के विस्तार के लिए सारे प्रखंड में पदाधिकारी संगठन का विस्तार करेंगे, हर पंचायत बूथ स्तर पे पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे ताकि पार्टी का संगठन और मजबूत हो सके।